Hey everyone, welcome back to my channel and I'm back after a small break. Actually, break के पीछे एक बहुत ही बड़ा reason था. मेरे पापा का bypass operation हुआ है अभी recently and वो आज ही जो है normal ward में shift हुए from ICU. With God's grace सब कुछ ठीक है अभी, और इन डिटेल मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी एक्चुअली क्या क्या हुआ था, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज़ आप, अगर आप मुझे अच्छे से फॉलो करते हो ऑब्वियसली आप पूरा वीडियो ज़रूर देखोगे. सो येस, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो आज का जो वीडियो है इट इज़ गोइंग टू बी मीशो हॉल. सो मीशो से मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल से कुर्तीज़ पिक किए हैं, पर्टिकुलरली फॉर समर्स. तो समर्स के लिए मैंने कुछ कुर्तीज़ पिक किए थे विच आर कलरफुल और कुछ यू नो ज़्यादा ब्राइट कलर्स नहीं है बट डिसेंट कलर्स है. दोज आर कॉटन रेयन, तो इस तरह के फैब्रिक मैंने चूज़ किए ताकि वो आपको समर्स में हेल्पफुल रहे. आई विल श्योरली लव द वीडियो. अगर आपके पास मीशो का ऐप नहीं है तो मेक श्योर आप डाउनलोड कर ले, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आप उसी लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको फ्लैट 30% ऑफ मिल सकता है ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर विच इज़ गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल फॉर यू. सो मेक श्योर आप उसी लिंक से डाउनलोड कीजिए, ना कि किसी अननोन लिंक से, इट कैन बी रिस्की. सो येस, आप इसी लिंक से कर सकते हो. और चाहे आपको बिजनेस भी करना हो मीशो से तो आप बस पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए. सो बिजनेस करना हो या आपको खुद को परचेज करना हो, कोई भी कैटेगरी हो तो आप मीशो ऐप को यूज़ कर सकते हो. बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको सब कुछ मिल जाता है विच आर ऑफ अगेन गुड क्वालिटी. इवन समटाइम यू गेट ब्रांडेड क्लोथ्स इन अफोर्डेबल प्राइसेस. तो कुछ आज मैं आपको ऐसे ही जो है ना आउटफिट दिखाने वाली हूँ विच आर ब्रांडेड बट इन अफोर्डेबल रेंज. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मैंने 8 कुर्तीज़ का गिव अवे थ्रो किया है जिसकी आपको लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ आज. नेक्स्ट वीडियो होने वाला है अमेज़ॉन जिसमें मैं रिजल्ट्स अनाउंस कर रही हूँ. सो मेक श्योर अगर आपने अभी तक जो है ना फॉलो नहीं किया है रूल्स को तो आप एक बार वीडियो देख लीजिए, इट इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैंने लिंक दे दिया है. फर्स्ट रूल इज टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल जस्ट नेक्स्ट टू इट, ताकि आपको जो है आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरा चैनल इसी तरह से कंटिन्यूसली देख पाओ. और यस, आपको ज़रूर वीडियो को लाइक करना चाहिए, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन. और जिस वीडियो में मैंने आपको रूल्स एक्सप्लेन किया है वो वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सो मेक श्योर आप उसको ज़रूर देख ले. एंड यस, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट जो कुर्ता है, सो दिस इज अ जैकेट कुर्ता. सो दिस कुर्ता इज सच एन अमेजिंग पीस. आई मीन ये समर्स के लिए अप्रोप्रिएट है फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड थिंग, इट इज़ कॉटन और ये जैकेट कुर्ता है. सो आपको एक प्राइस में दो कुर्ते मिल रहे हैं. कुर्ते इन द सेंस आप इसको किसी भी तरह से स्टाइल अप कर सकते हो. ये जो कुर्ता है इसे आप यू नो नॉर्मली आप कुर्ते की तरह भी पहन सकते हो, साथ में आप जैकेट जो है किसी और आउटफिट के साथ भी टीम अप कर सकते हो, जीन्स टॉप के साथ भी आप इसको टीम अप कर सकते हो एक यू नो इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट करने के लिए. सो दिस इज़ एन अमेजिंग वन. सो लेट्स गो थ्रू द कुर्ता फर्स्ट. सो ये जो है ना इट इज़ इन साइज 36. सो मैंने आई गेस मीडियम साइज़ पिक किया था, तो मीडियम साइज़ इज़ 36. सो ये आपको पहले तो कॉटन कुर्ता मिलेगा. जो क्वालिटी है इसकी, इट इज़ एज ऑफ ब्रांडेड कपड़ा. मतलब ब्रांडेड जो आपको कुर्तीज़ मिलती है वैसा ही आपको जो है ना इसका फैब्रिक मिल रहा है. इट इज़ प्योर कॉटन और बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो है ना इस पर इस तरह से आप देख रहे हो प्रिंट बना हुआ है. रेड बेस है और इस तरह का प्रिंट है. यहाँ पर जो है ना बटन इज़ प्रोवाइडेड, यू कैन सी वुडन बटन प्रोवाइड किया गया है, फ्लोरल वुडन बटन. सो दिस इज़ ओपनेबल. सो आपको ये ओपन करना है और वेयर करना है. और यहाँ पर 3/4 स्लीव्स आर प्रोवाइडेड. सो इस तरह से है. दिस इज़ रियली अ ब्यूटीफुल कुर्ता. सो ये जो कुर्ता है दिस इज़ ए लाइन. ओके, सो आपको सिर्फ ये कुर्ता पहनना है तो आप पहन सकते हो. बहुत ही ब्यूटीफुल है और कॉटन है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है. फ्रॉम बैक साइड यू गेट द सेम प्रिंट. यस, और इसके साथ जो आपको मिलता है ना दिस इज़ अ जैकेट. सो जैकेट जो है दिस इज़ स्लीवलेस. ओके, सो यू गेट अ कुर्ता विथ स्लीव्स. तो आपको जैकेट स्लीवलेस मिल रहा है यहाँ पर. सो दिस इज़ अगेन इन कॉटन फैब्रिक. और यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना कि ये सेल्फ वोवन डिज़ाइन है. दिस थ्रेड वर्क, दिस इज़ सेल्फ वोवन डिज़ाइन. और यहाँ पर इस तरह से जो है ना आप देख रहे हो कलमकारी प्रिंट बनी हुई है विच आई रियली लव. आई लव वेयरिंग कलमकारी. और ये बहुत ही प्यारा सा आप देख रहे हो पूरा प्रिंट बना हुआ है इस पर. सो ब्लू बेस है और ये जो है ना ये थ्रेड वर्क है. सो यू कैन सी बहुत ही प्यारा सा वर्क है. यहाँ पर साइड कट इज़ प्रोवाइड. सो दिस इज़ अ स्ट्रेट जैकेट. सो यू कैन सी बहुत ही प्यारा सा प्रिंट है. ऑल ओवर जैकेट में आपको सेम प्रिंट मिल रहा है.
सो दिस इज़ ब्यूटिफुल और मुझे एक्चुअली पर्सनली बहुत पसंद आया. आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न दिस. और ये काफ़ी प्यारा लगा मुझे. इसको आप किसी भी यू नो आउटफिट के साथ टीम अप कर लो. जीन्स एक टॉप पहन लो जो इसके साथ मैच हो रहा है कहीं पर, और आप ब्लैक टॉप जीन्स और इसके ऊपर ये आप जैकेट टीम अप कर सकते हो. सो एक इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट कर लेना. और या फिर आपको सिर्फ ये कुर्ता पहनना तो कुर्ता और साथ में वेयर करना तो वैसे भी आप कर ही सकते हो. सो आई रियली लव दिस कुर्ता सेट. इन केस आपको पसंद आ रहा है तो आप ग्रैब कर लीजिए. अभी ये इन स्टॉक है बट कब आउट ऑफ स्टॉक हो जाए पता नहीं चलेगा. सो यस, सो ग्रैब इट. जो कुर्ता मैंने पहना हुआ है दिस इज़ अगेन फ्रॉम मीशो. इन केस आपको ये वाला कुर्ता देखना है, इसका रिव्यू अगर आपको देखना है तो आपको मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. जस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो. उसमें भी बहुत सारे प्यारे आउटफिट सबको मिस नहीं करना चाहिए. सो सेकेंड वन इज़ दिस ब्यूटिफुल रेयन कुर्ता एंड स्कर्ट सेट. सो कलर आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल है. साथ में यू गेट एम्ब्रॉयडरी. सो यस, आई रियली लव दिस कुर्ता. आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो भी आप देख रहे हो ना ये पूरा एम्ब्रॉयडरी है. सो अपर पोर्शन आपको इस तरह की एम्ब्रॉयडरी मिल रही है इन वाइट शेड. सो ब्यूटीफुल सा आपको यहाँ पे वाइन कलर मिल रहा है एंड विद दिस यू गेट दिस वाइट एम्ब्रॉयडरी. नेक यू कैन सी इस तरह से है. फ्रॉम बैक साइड आपको डीप राउंड नेक मिल रहा है और यहाँ पर जो है ना ऊपर इस तरह से आपको नेक मिल रहा है. यहाँ पर इस तरह से देयर इज़ अ हुक. सो आप इसे ओपन करके वेयर कर सकते हो और फिर अगेन यू कैन जस्ट अटैच द हुक. कुर्ता जो है ना ये थोड़ा सा शॉर्ट है बिकॉज इसके साथ स्कर्ट प्रोवाइडेड है. और यहाँ पर यू कैन सी स्ट्रेट कट है यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी दी गई है वाइट एम्ब्रॉयडरी. सो बॉर्डर है इस तरह की. एंड फ्रॉम बैक साइड कुर्ता इज़ टोटली प्लेन. स्लीव्स प्रोवाइड किए गए हैं. सो यू कैन सी इस तरह से शॉर्ट स्लीव्स आर प्रोवाइडेड. अगर आपको स्लीवलेस नहीं पहनना है तो आप स्लीव्स अटैच कर सकते हो. विद दिस यू गेट स्कर्ट. सो स्कर्ट इज़ इन सेम शेड. और यहाँ पर इलास्टिक प्रोवाइड की गई है. देर आर टैसल्स ओवर हियर. इस तरह से सिल्वर गोटा पट्टी में इस तरह से टैसल्स मिल रहे हैं. और घेर काफ़ी ज़्यादा है स्कर्ट की. और क्वालिटी इज़ नाइस, इट इज़ नॉट बैड एट ऑल. यहाँ नीचे यू कैन सी सीक्वेंस वर्क भी दिया हुआ है इस तरह से. सो नीचे की साइड यहाँ पे इस तरह से सीक्वेंस का वर्क है, काम है. और काफ़ी अच्छा लगा मुझे. फ्लोई है स्कर्ट यू कैन सी. और यहाँ पर जो है ना मतलब ओवरऑल इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है. तो इन केस आपको ये ग्रैब करना है तो आप कर सकते हो. कोड इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो दिस इज़ द नेक्स्ट वन. सो ये एक्चुअली ब्लैक कलर का अनारकली कुर्ता है एंड दिस इज़ इन पॉलिएस्टर फैब्रिक. बट क्वालिटी अमेजिंग है. और ये है फ्रॉम ब्रांड कॉल्ड अक्स. ओके, सो AKS जो ब्रांड है अगर आपको पता होगा. इट इज़ अवेलेबल ऑन मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन टू. तो उसी ब्रांड का है. सो मीशो पर ब्रांडेड स्टफ़ भी मिलते हैं इन अफोर्डेबल प्राइजेस. तो इसलिए मैंने ये कुर्ता चूज़ किया बिकॉज दिस इज़ द ब्रांडेड वन. सो आई रियली लव दिस. अगर ये किसी और वेबसाइट पे अवेलेबल होगा सो आई विल सी कि अगर मैं एक बार आपको प्राइस चेक करके बता दूँ कि मीशो पर कितने में अवेलेबल है और किसी और वेबसाइट पर कितने में अवेलेबल है. तो आप जस्ट यू कंपेयर कर सकते हो खुद से ही. सो दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल ब्लैक कलर अनारकली कुर्ता. एंड दिस इज़ ऑल वोवन फैब्रिक्स. दिस इज़ सेल्फ डिज़ाइन, बिल्कुल भी प्रिंट नहीं है. ये वोवन फैब्रिक है. सो यू कैन सी ये वोवन डिज़ाइन है. सो राउंड नेक इज़ प्रोवाइडेड हियर और इस तरह से आपको फुल स्लीव्स मिल रहे हैं. सो दिस इज़ सुपर गॉर्जियस कुर्ता. मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा. यहाँ पर देयर इज़ अ गोल्डन पाइपिंग. फ्रॉम बैक साइड यू गेट दिस क्लोथ बटन्स एंड ऑल द क्लोथ बटन्स आर नो ऑल आर नॉट ओपनेबल. यहाँ पे सिर्फ 1, 2, 3, 4 देर आर 4 बटन्स ओवर हियर. हुक आई मीन यहाँ पर 4 हुक है जो ओपनेबल है तो आपको पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और यहाँ पर इस तरह से क्लोथ बटन्स दिए गए हैं विच इज़ इन गोल्डन फैब्रिक. और बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुर्ता है. आई रियली लव दिस. ए लाइन है, अनारकली है तो घेर एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. आई रियली लव दिस. और अगर आपको भी पसंद आ रहा है सो मेक श्योर कि आप इसको ग्रैब कर लीजिए बिकॉज ब्रांडेड स्टफ़ वो भी इतने कम प्राइसेस में मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको ले सकते हो. और पहनने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है. सो मेक श्योर आप इसको ग्रैब कर लो. यहाँ नीचे में आपको गोल्डन पाइपिंग मिलेगी और मुझे ओवरऑल इसका लुक काफ़ी अच्छा लगा. इन केस आपको थोड़ा सा ट्विस्ट चाहिए इस कुर्ते के साथ
मेक श्योर आप कोई कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा टीम अप कर लो इसके साथ, इन केस मैंने किया है तो मैं आपको, आप देख सकते हो यहाँ पिक्चर में, आप सॉरी वीडियो में, तो ये बहुत तरह से आप स्टाइल कर सकते हो। सो आपको अगर ये अच्छा लगा कुर्ता, मेक श्योर आप इसको परचेज कर लो, कोड इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो नेक्स्ट इज दिस कुर्ता। सो आई रियली लव द प्रिंट एंड कलर, बहुत ही गर्लिश शेड है। सो दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल्ड मायसा, पता नहीं ये ब्रांड किसी और वेबसाइट पर अवेलेबल है या नहीं, ऑब्वियसली होगा, बट मीशो पर मुझे ये मिला एंड आई रियली लव दिस। जो मैंने साइज पिक किया है दिस इज़ स्मॉल, और रेयन फैब्रिक है इसका, बट आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल कुर्ता है। सो बेबी पिंक कलर का यू गेट अ बेस, और यहाँ पर इस तरह से प्रिंट मिल रहा है विच इज़ सुपर गॉर्जियस। सो जो प्रिंट है इट इज़ इन डिफरेंट शेड्स, पिंक और ऑरेंज, ब्लू, सो इस तरह से कलर्स प्रोवाइड किए गए हैं एंड इट इज़ सच अ सुपर गॉर्जियस पीस। लाइट पिंक शेड है, ऑब्वियसली बेबी पिंक है तो स्लाइटली ट्रांसपेरेंट है, बट दैट इज़ नॉट एन इशू एट ऑल। अगर आपको ये कुर्ता लेना है तो जस्ट ग्रैब, बिकॉज इसका पैटर्न, डिज़ाइन एंड कलर इज़ सुपर गॉर्जियस। और यहाँ पर यू गेट शॉर्ट स्लीव्स, यहाँ पर गोटा पट्टी है, और दिस इज़ ए लाइन कुर्ता। सो यू कैन सी फैब्रिक इज़ फ्लोई, और यहाँ पर इस तरह से टैसल्स भी मिल रहे हैं। सो यहाँ पर टैसल्स बने हुए हैं विद पिंक शेड, और यहाँ पर गोटा पट्टी भी है। सो आई रियली लव दिस, ए लाइन है, फ्लोई फैब्रिक है, फ्रॉम बैक साइड ऑल्सो गेट द सेम प्रिंट, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। इसका नेक आप देख सकते हो किस तरह से है, एक अंगरखा स्टाइल दिया गया है। सो ओवरऑल ये थोड़ा सा स्टाइलिश भी लगता है कुर्ता, इन केस आपको ऑफिस के लिए भी पहनना है इन समर्स तो आप इसको ग्रैब कर सकते हो, दिस विल लुक वेरी नाइस। यू कैन जस्ट स्टीम इट अप विद पैंट्स जो कि इस शेड में है पिंक कलर के, सो दैट विल लुक नाइस। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे ऑरेंज पैंट्स के साथ या फिर वाइट पैंट्स के साथ भी टीम अप कर सकते हो। सो आई रियली लव दिस। सो नेक्स्ट जो है इस तरह का अंगरखा कुर्ता है, सो दिस इज़ अगेन सो लवली। और जो अपर पोर्शन है ना, ये जो प्लेन ब्लैक कलर का फैब्रिक है दिस इज़ रेयन, और नीचे का जो फैब्रिक है ना दिस इज़ कॉटन। सो मुझे ओवरऑल इसका पैटर्न लुक बहुत अच्छा लगा, और आप खुद ही देख सकते हो नेक जो है ना इस तरह का अंगरखा स्टाइल दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है ना आपको टाई अप के लिए मिल रहा है, सो यू हैव टू टाई। सो ये ओपनेबल नहीं है ऑब्वियसली, बट ये अपर पोर्शन जो है ना ये इस तरह से दिया हुआ है कि ये ओपन हो जाता है, बट यू जस्ट हैव टू टाई इट हियर इस तरह से। और यू कैन सी यहाँ पर इस तरह से प्रिंट दिया हुआ है, और फ्रॉम बैक साइड ऑल्सो इट इज़ प्लेन। स्लीव्स, 3/4 स्लीव्स आर प्रोवाइडेड, यहाँ पर देर इज़ अ लेस अटैच्ड, ऑरेंज कलर का लेस प्रोवाइड किया गया है, और नीचे यहाँ पर ऑल ओवर जो फैब्रिक है दिस इज़ प्रिंटेड फैब्रिक, ऑरेंज कलर का प्रिंट बना हुआ है विच इज़ लुकिंग सुपर गॉर्जियस, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और प्रिंट जो है ना ये एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है टू ब्लैक शेड, और यहाँ पर इस तरह से टैसल्स बने हुए हैं, सो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये कुर्ता। फ्रॉम बैक साइड ऑल्सो गेट द सेम प्रिंट इस तरह से, विच इज़ ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। अगेन इस पर जो ब्रांड मेंशन किया है दिस इज़ जेड एन एक्स क्लोदिंग, साइज मैंने पिक किया है स्मॉल, सो आई रियली लव दिस कुर्ता टू। अफोर्डेबल है, प्राइस एंड ऑल मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, ट्राई ऑन भी मैं आपको शो कर रही हूँ ऑन स्क्रीन, तो मेक श्योर आपको अगर लेना है तो आप ये वाला भी सेट ग्रैब कर सकते हो, अभी साइज अवेलेबल है, सो ग्रैब इट। सो नेक्स्ट जो कुर्ता है, सो दिस इज़ प्योर कॉटन समरी कुर्ता, और ये जो मैंने साइज़ पिक किया है दिस इज़ एम, 38 लिखा है इस पर, सो एम से ही स्टार्ट होता है। इस कैटलॉग में आपको डिफरेंट और शेड्स मिल जाएंगे, बट आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस शेड, मेहंदी ग्रीन कलर जो होता है ना वो शेड है। सो बहुत लोग जो है ना ये वाला शेड प्रेफर नहीं करते हैं पहनने के लिए, बट आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया ये शेड, किया भी होगा बट बहुत रेयरली, बट मुझे लगा कि ये शेड ट्राई करना चाहिए इन समर्स, और काफ़ी प्यारा लगता है पहनने के बाद। आपको ये वाला शेड ट्राई करना है, इफ़ यू हैवन ट्राइड दिस कलर तो आप ये वाला कुर्ता ज़रूर पिक करना, बिकॉज क्वालिटी वाइज दिस इज़ अमेजिंग, प्योर कॉटन कुर्ता है, फॉर समर्स इट इज़ अप्रोप्रिएट। सो यस, इस तरह का है, और नेक यू कैन सी नेक का जो फैब्रिक है ये थोड़ा डिफरेंट है, आपको शेवरॉन प्रिंट मिलेगा, और यहाँ पर जो बटन्स है दिस आर नॉट ओपनेबल, या एक भी बटन जो है वो ओपनेबल नहीं है, दिस इज़ जस्ट फॉर शो पर्पज़। और 3/4 स्लीव्स आर प्रोवाइडेड हियर इस तरह से, और यहाँ पे शेवरॉन प्रिंट है अगेन, और इस तरह से है ये कुर्ता, ए लाइन कुर्ता है, सो काफ़ी कंफर्टेबल होता है वेयर करने में।
यहाँ पर देर इज अ टाई अप, सो सिर्फ टाई अप नहीं है बट यू कैन जस्ट एडजस्ट इट विथ योर वेस्ट. सो आप अपने वेस्ट के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो, इस तरह से टाई कर सकते हो और यहाँ पर टैसल्स दिए हुए हैं. सो दिस इज नाइस, मुझे ये शेड भी अच्छा लग रहा है और काफ़ी डिसेंट है. यहाँ नीचे यू गेट दिस अगेन शेवरॉन प्रिंट का फैब्रिक. फ्रॉम बैक साइड यू गेट द सेम थिंग, सेम प्रिंट एंड एवरीथिंग इज सेम, बट पहनने के बाद इसका लुक ना काफ़ी अच्छा आता है. सो मेक श्योर कि आपको अगर लेना है ये वाला पर्टिकुलरली ये वाला कुर्ता तो आप इसको ग्रैब कर सकते हो, कोड इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो नेक्स्ट आर दिस टू ड्रेसेस जो मैंने पिक किए हैं फ्रॉम द सेम कैटलॉग और ये बहुत ही प्यारे से ड्रेसेस है. सो आप देख सकते हो जो प्राइस है इसका इट इज़ अराउंड 500, बट प्राइस के अकॉर्डिंग ये वाला ड्रेस इज स्टिल अफोर्डेबल. मुझे लगा कि ये वर्थ है, अब 500 रुपये में आप इसको 500 रुपये आप इस ड्रेस के लिए खर्च कर सकते हो. और ये जो है ना दिस इज़ इन साइज स्मॉल. ब्रांड जो मैंशन किया है दिस इज़ मिस आइसे और जो फैब्रिक है दिस इज़ पॉली कॉटन. सो दिस इज़ नॉट कॉटन एग्जैक्टली, इट इज़ नॉट कॉटन बट दिस इज़ पॉली कॉटन और इस तरह का ये ड्रेस है. सो दिस इज़ फ्लोरल ड्रेस. सो यू कैन सी इस तरह का प्रिंट बना हुआ है और बटन्स आर नॉट ओपनेबल. ये ऊपर का सेक्शन दिस इज़ ओपन और ऑल ओवर ड्रेस में इस तरह से आपको प्रिंट मिल रहा है और स्लीव्स जो है यू कैन सी 3/4 स्लीव्स आर प्रोवाइडेड हियर. यहाँ पे इस तरह से बटन प्रोवाइड किया गया है. सो यस, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये, बट विथ बेल्ट दिस विल लुक मोर स्मार्ट. और आई गेस आपको अगर पहनना है ये ड्रेस तो आप इसे बेल्ट के साथ भी टीम अप कर लेना. और जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया, मेरे पास एक ब्राउन बेल्ट है तो मैंने उसके साथ इसको टीम अप कर लिया. सो दिस इज़ लुकिंग नाइस और बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है. पॉली कॉटन है तो ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है और as per price in 500 rupees this is a nice dress. so I guess अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो और from back side also get the same print. आप try on देख रहे हो उसमें आप समझ जाओगे किस तरह से ये dress है. I really loved it, this is not bad at all, so I'm not returning this one. तो सेकेंड वन जो है ना दिस इज़ फ्रॉम सेम ब्रांड सेम साइज़ मिस आइसे और ये भी है इन स्मॉल साइज़. अब ये वाला जो है दिस इज़ अगेन इन पॉली कॉटन फैब्रिक, दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग नाइस. मुझे ये वाला भी अच्छा लगा बट कंपेरेटिवली मुझे ये वाला फैब्रिक ज़्यादा अच्छा लग रहा है. बट ये फैब्रिक भी बुरा नहीं है, अगेन यू हैव टू वेयर इट विद बेल्ट, बिना बेल्ट के ये अच्छा नहीं लगेगा. सो इसलिए अगर आपको ये वाला लेना है तो मेक श्योर कि आप एक बेल्ट भी परचेज करना जो कि ब्राउन कलर का होगा तो वो ज़्यादा स्मार्ट लगेगा. इवन वाइट विल गो विद दिस, सो अच्छा लगेगा. सो इस तरह का है. यहाँ पर अगेन देर आर बटन्स बट दिस आर नॉट ओपनेबल. ये कॉलर मिल रही है आपको इस ड्रेस में. सो दिस इज़ नाइस, काफ़ी क्लासी लगता है पहनने के बाद. और एज पर प्राइस दिस इज़ नॉट एट ऑल अ बैड चॉइस टू गो फॉर, मुझे अच्छा लगा. इसकी लेंथ भी ना काफ़ी अच्छी है दोनों भी ड्रेसेस की, तो ये आपको नीज़ के नीचे तक आएगा सो विच इज़ वेरी कम्फर्टेबल टू वेयर. सो मुझे ये अच्छा लगा. सो फ्रॉम इनसाइड आई विल शो यू हाउ इट इज़. सो इस तरह का फैब्रिक मिल रहा है आपको, सो यू कैन सी. इन केस आपको अच्छा लग रहा है ये ड्रेस सो जस्ट गो फॉर इट. और आप देख रहे हो पैटर्न किस तरह से दिया हुआ है. सो ओवरऑल अच्छा है ड्रेस, बुरा नहीं है. अगर इसका प्राइस कुछ 600-700 होता, 600-700 तो मुझे लगता कि ये थोड़ा सा यू नो कॉस्टली है, बट इन 500 आई थिंक दिस इज़ नॉट अ बैड डील टू गो फॉर. इन केस आपको इस तरह के ड्रेसेस चाहिए जो कि नीज़ के नीचे तक आते हो और कवर्ड हो और थोड़ा सा कहीं जाना है आपको पहनकर, नॉर्मली आप घूमने जा रहे हो तो आप इसको ग्रैब कर सकते हो. दिस आर द गुड चॉइसेस टू गो फॉर. इनके भी कोड्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए. अभी मैं आपको बताऊंगी एक्चुअली कि क्या हुआ, मैंने इतना गैप क्यों ले लिया वीडियोस में. मैंने 3 दिन के बाद वीडियो डाला है, इसके पहले भी जो वीडियो गया था उसके पहले भी 3 दिन का गैप हो गया था. और ऑब्वियसली ये गैप्स जानबूझकर तो नहीं लिए जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती ही है लाइफ में. और यू नो आई एम हैंडलिंग सो मैनी थिंग्स टुगेदर. तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं वो तो जानते ही हैं, जो नए फॉलोअर्स हैं इन केस अगर आप नहीं जानते हो, सो आई एम हैंडलिंग टू प्रोफेशंस विथ हाउस माई किड एंड एवरीथिंग. मतलब टू प्रोफेशंस मीन्स आई एम डूइंग यूट्यूब प्लस इवन आई एम अ लॉयर और सब चीज़ें साथ में लेके चलना इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू. आई नो यू पीपल आर देयर फॉर मी. बट यहाँ सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि माई डैड वॉज हैविंग अ पेन इन चेस्ट
और एक हाथ में भी उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो इसलिए फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया, तब उनकी एंजियोग्राफी हुई और उसमें पता चला कि उन्हें 90% का ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज के बाद डॉक्टर ने सीधा बाईपास का ही ऑप्शन दिया, बिकॉज जो ब्लॉकेज था वो वी सेक्शन पे था, जो नर्व्स का वी सेक्शन होता है कनेक्टेड टू हार्ट, वहाँ पर स्टेंट नहीं डाल सकते हैं, तो स्टेंट नहीं डाल सकता था, तो इसलिए बाईपास का ही ऑप्शन था। और कल परसों पापा का बाईपास हुआ है, 2 दिन हो चुके हैं पापा आईसीयू से निकलकर, अब आज जो है नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट होने वाले हैं। सो इसलिए इस पीरियड में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, आई हैव गॉन थ्रू सो मच। मतलब पापा तो गए ही है, पापा को तो ऑब्वियसली वो सब सहना ही पड़ा, बट बाईपास मैंने सिर्फ मुंह से सुना था लोगों के और लगता था कि ओके बाईपास हुआ है, बट क्या होता है ये मुझे अब पता चला। और एग्जैक्टली जब वो अपने पेरेंट्स पर बनाती है ना, तब पता चलता है कि कितना ज़्यादा पेनफुल होता है। सो आई हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस लास्ट 6 days, और मुझे लगता है कि आप लोगों को मैं एक्चुअली एक बात बताना चाहूँगी, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। और आपके पेरेंट्स को एक बात समझा दीजिए, अगर वो बहुत कुछ यू नो ऑयली खाते हैं या फिर बाहर खाते हैं, तो उन्हें बता दीजिए कि ये आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। मैंने ये प्लेटफॉर्म, ये वाला वीडियो इसलिए चूज़ किया आपको कुछ चीज़ें बताने के लिए कि आपको कितना हेल्दी खाना चाहिए। जो आप डेली बेसिस पे अगर बहुत सारा स्नैक्स भी खा रहे हो, जो पैक्ड फूड भी खा रहे हो, तो प्लीज़ अवॉइड इट, ये आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है उन्हें, और ये सबसे अच्छी बात हुई कि कुछ यू नो मेजर नहीं हुआ है, उसके पहले ही जो है ऑपरेट हो चुके हैं वो, तो उससे क्या है कि अभी उन्हें एक न्यू नर्व मिली है, एक नई नर्व लगाई जाती है टू योर हार्ट, उसको कहते हैं बाईपास सर्जरी। और उससे क्या होता है कि आप जहाँ पर भी ब्लॉकेज है वो वाला जो है उसे उसके जो है ना इर्द गिर्द एक नई नर्व लगाई जाती है, ताकि उन्हें फिर ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम ना हो और हार्ट अटैक ये सब चीज़ें जो है फ्यूचर में कभी ना हो। तो इसलिए सो मेक श्योर आप फैमिली में सबको बता दें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो है जो खाना खा रहे हो, ये क्या खा रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेक श्योर आप हेल्दी फूड खाएं, सैलेड खाएं, दही, हॉस्पिटल का खाना जो था ना, मैंने वो नोट किया कि वहाँ पर क्या खाया जाता है, तो मैंने देखा कि वहाँ पे मूंग जो होता है ना, मूंग आप कहते हो ना, हरे मूंग, उसको लीजिए आप, उसको बॉईल कीजिए और उसे खाइए। और दही आपके खाने में होना चाहिए रेगुलर बेसिस पर, ये प्रोबायोटिक ऑब्वियसली जो है ना, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को यू नो अच्छा रखता है और ये आपके गट को क्लीन रखता है। और सबसे अच्छी बात तो ये लगी मुझे हॉस्पिटल की कि उन्होंने हमें बाहर से घर से खाना लाने के लिए भी मना किया, उन्होंने कहा कि नो दिस इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उन्हें देंगे कोविड सिचुएशन में, हम नहीं चाहते कि बाहर से कुछ भी आए इनके लिए। तो बहुत ही अच्छे से उन पापा के केयर हुई है, और 4-5 दिन वो हॉस्पिटल में रहेंगे, तो मैंने बीच बीच में मिलती रहूँगी, ऑब्वियसली डेली बेसिस पे ही उनसे मिलती रहूँगी। जब उनके पेरेंट्स आपके सामने रोते हैं ना, दैट्स अ वर्स्ट थिंग इन योर लाइफ, तो मेक श्योर कि वो दिन कभी ना आए। और हेल्थ वाइज उन्हें कोई भी इशू है तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट ज़रूर करें। ऑब्वियसली आप सब लोग ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स को देखते होंगे, इन केस आप नहीं पूछते उन्हें कि उनकी हेल्थ कैसी है, क्या है क्या है, तो प्लीज़ ज़रूर पूछें। और येस, सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड टेक केयर। और मेक श्योर आप मीशो ऐप को डाउनलोड कर लेना, इट इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सारे कोड्स जो है ना वो भी एक बार आप चेक कर लेना। सो येस, कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताना, बैक टू बैक वीडियोस अब जरूर आएंगे, बिकॉज अब डैड इज फाइन। सो यस, सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।